जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर नारी को क्यों कहे बेचारी। आज का आधुनिक युग इन्हीं पंक्तियों के समरूप मांग करता है। आज जरूरत है महिला और पुरुषों को समान रूप से दर्जा देने की, सम्मान देने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार और मैं हूं आपके साथ रुचि पांडे। आज मैं आपके सामने जिन लेखक की पुस्तक के साथ मौजूद हूं, वे कोई और नहीं, भारतीय हिंदी उपन्यास के चर्चित लेखक प्रेमचंद हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत की जमीनी हकीकत से लोगों को रूबरू कराया है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज की हकीकत का बेहद सच्चाई के साथ वर्णन किया है। प्रेमचंद के लेखन में जो अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण और पीड़ा है, हमें तो कब का उसे अप्रासंगिक बनाकर खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन करीब एक सदी बीत जाने पर भी अगर उनका लेखन आज भी हमारे समाज का सच बताता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। खैर, आज मैं प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला की पटकथा का आज के समय में भी बहुत महत्व है, क्योंकि इस उपन्यास में बताई गई समाज की हकीकत आज भी हमारी नींद को तोड़ती है। प्रेमचंद की निर्मला का प्रकाशन सन 1927 में हुआ था। इस उपन्यास में निर्मला एक 15 साल की सुंदर और सुशील लड़की है। निर्मला की शादी दहेज के कारण नहीं हो पा रही है और अंत में परिवार वाले तंग आकर उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कर देते हैं, जिसकी पिछली पत्नी से उसे 3 बेटे भी हैं। निर्मला विपरीत परिस्थितियों में जूझती हुई अंत में मर जाती है। इस तरह निर्मला अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत कहानी है। पर दुख की बात तो यह है कि आज भी दहेज रूपी रावण के हाथों हजारों लाखों निर्मला जैसी महिलाएं दहेज की अग्नि में झोंक दी जाती हैं। आज मीटू के दौर में जब कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर हम चर्चा करते हैं, तो ये प्रश्न भी बहुत अहम हो जाता है कि भारतीय महिला के पारिवारिक जीवन में आज क्या बदलाव आया है। 172 पन्नों का ये उपन्यास सन 1927 में तालिब प्रकाशन के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। अगर पुस्तक के कवर को देखें, तो आप एक नारी के माथे को पाएंगे, जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ पीले लाल रंगों में केवल एक बिंदी से इंगित किया गया है। ये पुस्तक आपको सभी बुक स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी। साहित्य से जुड़ी और भी नई वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।